सीएए के समर्थन में सीएम योगी देश भर में जनसभाएं करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी ग्वालियर का दौरा करेंगे, जहां ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 14 जनवरी को बिहार में रहेंगे, 18 जनवरी को काशी, तो 19 को गोरखपुर, इसके साथ ही 20 को लखनऊ में और वहीं 23 को आगरा में जनसभाएं करने वाले हैं। तो सीएए को लेकर जिस तरह का विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है सरकारों पर, तो ऐसे में अब सीए को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, उस भ्रम की स्थिति को खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इसी के तहत सीएम योगी देश भर में कई सभाएं करेंगे, जिसके तहत आज से ही आपको बता दें कि ये शुरुआत हो रही है। ग्वालियर का आज दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसके साथ ही एक एक करके हर एक तारीख, हर एक दिन यहां पर, जहां पर कई राज्यों का रुख करेंगे और यहां पर सीए को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसको खत्म करने की पूरी कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की रहने वाली है। तो आज जहां ग्वालियर में हुंकार भरेंगे सीए को लेकर और विपक्ष को यहां पर पूरी तरीके से घेरा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ 14 जनवरी को बिहार का कार्यक्रम है, 18 जनवरी को काशी का, 19 को गोरखपुर और उसके साथ ही 20 को लखनऊ और वहीं 23 जनवरी को आगरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ हरेंद्र चौधरी यहां पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, कार्यक्रम यहां पर तय हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, कि आखिरकार सीएए को लेकर जो भ्रम की स्थिति विपक्ष के जरिए फैलाई जा रही है उसको कैसे खत्म की जाए, उसी के तहत आज ग्वालियर का रुख करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा सीएए को लेकर जो जनजागरण अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया है, उसको लेकर यूपी में भी खासी तैयारी की गई। बड़े स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, न सिर्फ जनजागरण रैली निकाली जा रही है बल्कि पद यात्राएं की जा रही हैं और बूथ लेवल पे संपर्क अभियान भी किया जा रहा है। और इसी को ज्यादा धार देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कमान संभाल ली है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो कार्यक्रम जो जारी है उसके तहत आज भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रहेंगे और 14 को मकर संक्रांति के दिन बिहार के गया में जो सीए को लेकर जो लोगों में जो भ्रम पैदा है उसको दूर करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वो उनकी जो दौरा है जनजागरण अभियान को लेकर शुरू होगा। 18 जनवरी को वाराणसी में, 19 जनवरी को गोरखपुर, 20 जनवरी को लखनऊ में और 21 जनवरी को कानपुर और 22 जनवरी मेरठ और 23 जनवरी को आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो इस दौरान न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ सीए के मुद्दे को लेके जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए उनमें शामिल होंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि इसको लेके लगातार न सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से बल्कि तमाम अलग अलग संगठनों की तरफ से जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उनके असल तथ्यों को बताने की कोशिश करेंगे और एक जागरूकता इस मुद्दे को लेकर लाने की कोशिश करेंगे। क्या इसका उद्देश्य था और क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर जो बीजेपी की लगातार जो कोशिश है उसको और बिल्कुल और हरेंद्र जी यहाँ पर देखा जाए तो इम्पैक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे हम चुनावी प्रचार को लेकर कहें कि वो एकदम एक फुल प्रूफ यहाँ पर आ जाते हैं और जो लिस्ट होती है यहाँ पर चुनाव प्रचारों की तो उसमें ज्यादा अहमियत उनको दी जाती है। और ऐसे में जब सीए को लेकर भ्रम की स्थिति है, विश्वास फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही कि वो इस भ्रम की स्थिति को खत्म कर पाए और यही विश्वास वो पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कैंपेन को लेकर भी हमने देखा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खासा भरोसा किया जाता रहा है और जब अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां भी उनको स्टार प्रचारक के तौर पर उनको भेजा जाता रहा है। और अब चूंकि सीए को लेकर बीजेपी ने जनजागरण अभियान की शुरुआत की है तो ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कमान संभाली है और खासकर जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उनसे उनके जो पड़ोसी राज्य वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उनके तय कार्यक्रम है और लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलिए बने रहिए आप हरेंद्र जी हमारे साथ। तो आपको बता दें कि सीएए के समर्थन में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी।